Good morning everyone. How are you all? Hope you all are good. So today we are going to start a new story of your book, and that is Tenali Raman and the Thieves. So ये जो कहानी है तेनाली रमन एंड द थीव्स, ये कहानी है तेनाली रमन की और दो चोरों की। तेनाली रमन जो था वो राजा के कोर्ट में एक जेस्टर था, मतलब कि वो राजा को हंसाता था, ठीक है। और इस कहानी में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि तेनाली रमन ने कैसे अपनी समझ से, अपनी क्लेवरनेस से अपना काम भी करवा लिया और चोरों से छुटकारा भी पा लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तेनाली रमन जो है वो कोर्ट क्या क्या था, एक जेस्टर था और वो राजा को क्या करता था, खुश करता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह घर से निकल गया राजा को खुश करने के लिए, राजा के लिए उसके महल चला गया वो, और रात को वो काफ़ी लेट जो है वो घर वापस आया। जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो क्या था, मूनलाइट थी। ओके, पूरा क्या था वहाँ पे, मूनलाइट थी। मूनलाइट में क्या होता है बच्चे, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखती हैं, राइट। तेनाली रमन ने देखा कि अरे ये तो मेरे खेत जो हैं इनमें तो काफ़ी अरसा हो गया मैंने पानी नहीं दिया, तो मैं कल जो है मैं इनमें पानी दूंगा। काफ़ी अरसे से मैं भूल गया था इनमें पानी डालना, लेकिन कल मैं जो है इसमें पानी दूंगा, ठीक है। फिर उसको सोच में आया, क्या तेनाली रमन की सोच में आया, उसने देखा कि दो परछाइयाँ उसको पेड़ के पीछे दिखी। क्या दिखी उसको, दो परछाइयाँ, ठीक है, जैसे कोई खड़ा हो वहाँ पर। अब उसकी समझ में आ गया, अरे ये तो चोर हैं, ठीक है। और वो सोचने लगा, होप कि इन्होंने मुझे ना देखा हो, ठीक है। वेल, उसने क्या किया कि उसकी दिमाग में एक नई एक सोच ने जन्म लिया, क्योंकि वो तो बहुत चालाक था। वो अपने घर चला गया सीधा घर की तरफ और अपना घर में वो एंटर हो गया, राइट। अब उसकी वाइफ ने बोला कि आ जाओ डिनर रेडी है, अपने मुँह हाथ धो लो और खाना खा लो। किसको कहा ये, उसने ये कहा तेनाली रमन से, जो कि शाम को लेट घर वापस आया था। तो तेनाली रमन ने जोर से अपनी आवाज ऊंची की और वो चिल्लाना शुरू हो गया अपनी वाइफ के ऊपर, वो शाउट करने लग पड़ा। क्या कहा उसने, ईटिंग नेक्स्ट, पहले हमें अपना काम करना है, मतलब कि हम खाना बाद में खाएंगे लेकिन हमें पहले अपना काम करना है। तो उसने वाइफ ने पूछा, अरे कौन सा काम। तो तेनाली रमन ने कहा कि तुम्हें पता है सिटी में चोरों की भाड़ आई हुई है, इतने चोर हैं, और इसलिए हमें अपनी जो वैल्यूएबल्स चीज़ हैं, मतलब जो हमारी ज़रूरी चीज़ है, उनको छुपाना पड़ेगा। वाइफ ने कहा, ओ डियर चोर, अब हम क्या करेंगे। उसने कहा कि ओ डियर चोर आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, और मैं तो अब दरवाज़ा तक भी लॉक नहीं करती हूँ जब मैं सोती हूँ, है ना। तो अब वो सोच में पड़ गए। तो तेनाली रमन ने कहा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, डोंट वरी, तुम क्या करो अपनी सारी ज्वेलरी और पैसों को और महंगी चीज़ों को एक ट्रंक में भरो, फिर हम क्या करेंगे उस ट्रंक को, कहाँ हम उसको सीधा कहाँ पे छुपा देंगे कहीं पे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह, अब वो दोनों चोर जो थे वो तो ये बातों को सुन रहे थे, क्योंकि वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, और वो दोनों चोर एक दूसरे की तरफ देख करके स्माइल करने लगे कि अरे हमने तो कुछ अच्छी चीज़ सुन ली है। अब ये सब देख के ना, एक्चुअली तेनाली रमन का ये सब क्या था, एक प्लान था, ठीक है। तेनाली रमन ये जो सब कर रहा था ये उसका क्या था, एक प्लान था। उसने आहिस्ता से अपनी वाइफ के कानों में जो है वो बोला कि, उसके कानों के पास आ करके उसने क्या किया, उसको फुसफुसाया, उसको कहा चुप हो जाओ, यहाँ पर दो चोर थे जो बाहर खड़े थे, मेरी बातें सुन रहे थे और मैं उनको बेवकूफ़ बना रहा था। ये जो सब मैंने कहा है ये सब क्या था, बेवकूफ़ी बड़ी बात थी, तो तुम क्या करो उस ट्रंक के अंदर कुछ हैवी चीज़ें जो है वो भर दो, तो उसमें तुम ज्वेलरी वगैरह मत भरो, ओके। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिल द ट्रंक, ये सब चीज़ें क्या, ये वो बोल रहे हैं उन चोरों को सुनाने के लिए, ठीक है। अब रमन की वाइफ को, तेनाली रमन की वाइफ को अब पता चल गया कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए
क्यों बातें की थी, ठीक है। तो अब वो भी चिल्लाने लग पड़ी, वो भी शो ऑफ करने लगी क्या, ओके ओके तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्दी से सारा सारे जेवल सारे पैसे उसमें भर देती हूँ, ठीक है, ओके। अब उसने सोचा कि ये जो ग्राइंडिंग स्टोन है, स्टोन मतलब हुआ कि जिसमें पत्थर, जिस पत्थर पे हम लोग कुछ चीज़ ग्राइंड करते हैं, उसने वो भी भरा, उसने क्या भरा, उसमें ईंटें भरी, उसमें और भी बहुत हैवी पत्थर जो थे वो भर दिए, और तेनालीरमन उस बॉक्स को लेकर के निकल पड़ा, कहाँ, वो वेल के अंदर, मतलब कुएं के अंदर डालने के लिए, ताकि वो वहां से कोई निकाल ना पाए, राइट। और रमन ड्रैग द ट्रंक, रमन ने ट्रंक को घसीटा और उसको कहां पे फेंक दिया, वेल के अंदर, ओके। अब जब कोई चीज जब गिरती है वेल के अंदर, मतलब पानी के अंदर जब कोई चीज गिरती है बच्चा, तो आवाज आती है, तो वो जो था एक लाउड जो स्प्लैश थी वो आई जब उसने क्या किया कि उस वो जो ट्रंक भरा हुआ था पत्थरों से, वो जब उसके अंदर गया है ना, वो जो ट्रंक के अंदर जो चीजें उन्होंने पत्थर भर के रखे थे उसको उसने जोर से नीचे गिराया, ठीक है। अब क्या हुआ, चोरों ने देखा, अरे ये तो उसने कहा, चोरू ने कहा रुको रुको, जब तक कि लाइटें बंद नहीं हो तब तक तुम क्या करो, वेट करो, ओके। अब क्या हुआ, चोर एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे लगता है ट्रंक तो पूरा भरा हुआ है, वो पूरा क्या है, भरा हुआ है, ओके। तो वो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, कि जो ये जो हम सामान चुराने वाले हैं ये बहुत एरिया तक जो है, टाइम तक जो है वो रहने वाला है हमारे पास, है ना। तो वो दोनों प्लानिंग करने लगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, लाइट चली गई, है ना, और अब जो है उसी को कहते हैं कि चलो हम अपने काम को अंजाम दें, हम अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से करते हैं। क्या काम करना था उन्होंने, चोरों ने चोरी करनी थी, और एक दूसरे को कहते उन्होंने कहा कि डोंट मेक एनी नॉइस, मतलब कि शोर बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को पता भी ना चले, ओके ओके। अब जो थीव थे वो पहुंच के कहाँ पे, वेल पे, कौवे पे, ओके। उन्होंने क्या किया फिर, अब जब वो कौवे पे पहुंच के तो उन्होंने देखा कि कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है, है ना, जितना पानी होना चाहिए उतना नहीं है, तो हमारा काम जो है वो इजी हो गया, मतलब हमें कम पानी जो है कुएं से निकालना पड़ेगा, है ना, और फिर जो बाकी थोड़े जल्दी से इसको खाली करेंगे और जो सामान है इसके अंदर वो हम निकाल लेंगे, उस ट्रंक को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये किसने कहा, एक थीव ने दूसरे थीव से, ठीक है। अब उन दोनों चोरों ने पूरी रात काम किया, पूरी रात वो काम करते गए, राइट। अब क्या हुआ कि वो जो पानी था वो बकेट के थ्रू वो निकालते गए, ओके, और उसको कहाँ गिराते गए, वो जो पास में से छोटा सा कैनल निकल रहा था ना, एक जैसे एक जो नाली बनी होती है ऐसे, उसमें वो गिराते गए, राइट। वन बकेट, टू बकेट, थ्री बकेट, फोर बकेट, ऐसे ही करते करते उन्होंने क्या किया कि वो लगातार पानी जो था वो उस कुएं में से वो निकालते रहे, ओके। समझ में आ गया बच्चे सबको यहाँ तक, कि वो कंटिन्यूसली उस कुएं के अंदर से पानी को निकालते रहे। और फिर एक दूसरे से, एक चोर ने दूसरे से कहा, अरे हम तो बहुत जल्दी कुछ घंटों में हम लोग क्या होने वाले हैं, हम लोग रिच होने वाले हैं, ठीक है। फिर वो जो पानी की जो बाल्टियाँ थी, जो पहले 1-2 थी, अब वो 50 हो गई, 51 हो गई, 52 हो गई, समझ रहे हो, ऐसे करते करते अब वो 100 होंगी, ठीक है। एक ने कहा, जब ये एक चोर जो था वो पानी निकाल निकाल कर थक गया, तो उसने कहा अब एक काम करो, अब तुम करो, अब मैं थक गया हूँ तो अब तुम्हारी बारी, तुम निकालना शुरू करो, ठीक है, ओके। तो अब जो है, तो उसने कहा कि ठीक है दूसरी साइड हटो यहाँ मेरे रास्ते से, अब मैं निकालूंगा। दूसरा चोर जो था वो ज़्यादा जोश में आ गया और उसने फिर क्या किया कि वो पानी जो था वो निकालना शुरू कर दिया, और ऐसे करते करते वो बकेट्स जो पहले 50-20 में थी, अब वो कहाँ आ गई, 100s में। अब वो थक गया था, उसने कहा ओ आई कैन नॉट स्टैंड, मैं अब तो खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरी कमर टूट गई। किसने कहा, चोर ने कहा कि अरे मैं तो अब खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरी तो कमर टूट गई, क्या तुम्हें कहीं पे ट्रंक दिखा, वो ट्रंक तुम्हें कहीं पे दिखा जिसके लिए हम इतना सब कर रहे हैं। तो दूसरा कहता है नो अभी तो नहीं, अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, हम गिव अप नहीं कर सकते, अभी हमें और बहुत मेहनत जो है वो करनी है।
अब सुबह से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, जब सुबह होने वाली होती है ना, उससे थोड़ा सा पहले कि जो रमन की वाइफ थी उसने देखा कि उसके तो सारे जो खेत थे वो तो उनमें पूरा पानी लग चुका था जिनमें उनको पानी डालना था। ओके, और वो चली गई कहाँ, अपने खेतों के पास में। वो खेतों के पास गई, उसने जाके देखा, अरे पूरे खेतों में तो पानी जो है वो हो गया है पूरी तरीके से। थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ गुड जॉब। अब ये किसने कहा, ये तेनाली रमन ने आके उन थीफ से कहा कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच। थीफ ने जब उनको उस को देखा वो तो शॉक हो गए और वो एक दूसरे से कहने लगे, भागो भाई भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें पकड़ लेंगे या हम पकड़े जाएंगे, तो तुम यहाँ से भागो भागो भागो। उसने कहा चोरों ने एक दूसरे से कि भागो भागो, और वो फाइनली वो भाग गए। और इस तरह तेनाली रमन उन पर जोर जोर से हंसने लगा, ओ माय डियर वाइफ, उनको देखो तो सही वो कैसे भाग रहे हैं। और उसकी वाइफ भी जो ये सब देख करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और उन दोनों ने क्या किया, उनका बहुत मजाक उड़ाया। और फिर तेनाली रमन ने कहा ठीक है, अब मुझे क्या है कोर्ट जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे फिर वो जो उसी उस इन सब सीन के बाद वो सीधा कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में जा कर के उसने सारी कहानी किसको सुनाई, राजा को सुनाई। ओके, अब उसकी कहानी सुन के राजा हंसने लगा, और राजा हंसता गया बहुत हंसने लगा। ठीक है, ये कहानी बहुत फनी थी। एंड फाइनली राजा ने उसको कहा कि अरे तुमने तो सारा काम भी करवा लिया और कोई तुमने मजदूरी भी नहीं दी, तुम बहुत क्लेवर हो, तुम बहुत चालाक हो, है ना, तुम कितने चालाक हो। और इस कारण से उसने राजा ने उसको क्या किया, गोल्ड कॉइन्स दिए, उसको इनाम के तौर पर क्या दिया, एक थैली दी जिसमें क्या थे, गोल्ड के कॉइन थे। ठीक है, ओके। और ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए ही वो राजा जो था, राजा ने उसको एक और गोल्ड के कॉइन की थैली दी, ताकि वो जो जिस तरीके से वो प्लीज करता था राजा को उस कारण से। सो बच्चे, ये थी हमारी कहानी द तेनाली रमन एंड द थीव्स। ओके, तो बच्चा अभी हम जो हैं, अभी इस कहानी का हमारा जो है मोरल क्या निकलता है कि कभी भी आपको अगर किसी से अपनी, अगर आप बुद्धिमत्ता यूज़ करते हो, अगर आप अपनी बुद्धि यूज़ करती हो, तो उस बुद्धि से आप लोग किसी के ऊपर भी जीत पा सकते हो। ठीक है ना, आप बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल से भी निकल सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।